दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर सामने आई, जिसमें प्रभु को बाल स्वरूप में श्यामल पत्थर से तैयार किया गया है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रामलला की मूर्ति काली या श्यामल क्यों है। रामलला की मूर्ति का निर्माण शिला पत्थर से हुआ है, जिसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इस पत्थर में कई गुण हैं तथा कई मायनों में ये बेहद खास है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ या अभिषेक के दौरान जल, चंदन, रोली और दूध आदि का उपयोग होता है। जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। उस दूध का उपभोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। साथ ही यह हजारों वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया गया है, इसलिए यह भी एक वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल है। इसके अलावा रामलला की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाए जाने के पीछे एक मान्यता है, जिसके अनुसार जन्मभूमि में भगवान श्री राम की उपासना बाल स्वरूप में ही होती है। धन्यवाद।